अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बटाटे का चटपटा। तो देखिए आप, बटाटे का चटपटा कैसा बनता है। ये दो तरीके का बनता है, उबाल के बनता है, बटाटे उबाल के ले लीजिए, या फ्राई करके। तो मैं आज फ्राई बटाटे का बताऊंगी। तो ये मैंने चार पांच बटाटे लिए हैं फ्राई करके, बारीक चॉप करके, और उसको अच्छे से धो लिया और फ्राई पैन में फ्राई कर लिए। ये बटाटे मेरे बहुत अच्छे फ्राई भी हो चुके हैं। थोड़ा वीडियो मेरा एक डिलीट हो गया, जिसकी वजह से फ्राई पैन में फ्राई करते वक्त आपको नहीं दिखा पाई, मगर बटाटे देखिए मेरे बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद में मैं एक डेगची छोटी लूँगी और एक प्याला लूँगी। इस प्याले में अभी हम सारे जो मसाले इसमें डालने वाले हैं, वो सारे मसाले हम इस प्याले में पहले मिक्स कर देंगे। तो जैसे कि मैंने सबसे पहला एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, फिर लाल फीका लिया है, उसके बाद में धनिया पाउडर डाला है। उसमें धनिया पाउडर आप एक या दो चम्मच डालिए आपके पसंद के हिसाब से। ज़ीरा पाउडर आप आधा चम्मच डालिए। गरम मसाला भी आप एक चम्मच डालिए आपके स्वाद अनुसार, क्योंकि गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके लिए। तो मैं दो तरीके के गरम मसाले इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने एक एक चम्मच दोनों गरम मसाला डाल दिया है। उसके बाद में मैंने हल्दी डाला है, फिर मैंने काली मिरी डाली है, काली मिरी, ये हल्दी डाला, गरम मसाला डाला, फिर हल्दी डाला, फिर काली मिरी डाला। उसके बाद में मैं इमली का पानी और खजूर का पानी एक एक चम्मच डालूंगी। तो ये थोड़ा बड़ा चम्मच है, तो आप समझ के आपके हिसाब से जितना आपको खट्टा चाहिए उतना डालिए। माशाल्लाह मेरा तो चटपटा बटाटा बहुत अच्छा बना था। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली है प्याले के अंदर। फिर आप वो जो डेगची रखी है उस डेगची के अंदर तेल डालिए और लहसुन की 5-6 फकड़ियाँ अच्छी बड़ी वाली चॉप करके उसके अंदर डालिए। उसको जलाना नहीं है, जैसे ही गर्म हो जाए और लहसुन का मतलब खुशबू छोड़ दे तेल में, वैसे ही आप फटक से उसमें ये मसाला डाल दीजिए। अब मसाला डालने के बाद में आप इसमें वो जो बटाटे फ्राई किए हुए हैं वो सारे बटाटे आप इसमें डाल दीजिए और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। थोड़ा मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने ये सारे बटाटे पहले डाली हूँ, उसको बहुत अच्छे से हिलाई हूँ, फिर बाद में मैं उसमें नमक डालूँगी। और एक चम्मच मैंने नमक डाला है, और ये बहुत टेस्टी बनता है खाने के लिए। आप बना के खाइए और कैसा लगा मुझे भी बताइए, मेरे तरीके से अच्छा। आप इसको उबाल के भी ले सकते हैं बटाटे, जो आप जू चौपाटी वगैरह पे आप देख सकते हैं। तो मेरे ये चैनल देखिए, बनाइए, खाइए, कैसा लगा मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो मुझे बताना कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू बहुत।